Hey guys, this is me Vaidhi Bhargav and I am from EBNW Stories and today we are at WTP और आज हम आए हैं द साबरमती रिपोर्ट की प्री स्क्रीनिंग के लिए। ये दोनों कहानियां जानबूझकर फैलाई गई। उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी लेकिन उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। हम करने आए हैं। What the hell do you think you're doing? नमस्कार, मैं वैदेही भार्गव और मेरे साथ आज के गेस्ट जो हैं वो हैं अमित जी जो विख्यात आर्टिस्ट हैं। आज हम सर आपसे पूछेंगे कि जो मूवी है द साबरमती रिपोर्ट, ये एक कॉन्स्पिरेसी है या एक्सीडेंट है? आज आपने इस मूवी को देखा है तो आपको क्या लगता है कि ये कैसा, मतलब ऐसी मूवीज और बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? देखिए वैसे ही ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत मूवी है, एक खूबसूरत सिनेमा है जिसको हमने केवल देखा नहीं, इसको हमने एक्सपीरियंस किया। और मैं उस पीढ़ी से हूँ जिसने इसको जो इसका विटनेस भी रहा है किसी ना किसी तरीके से। विटनेस दैट मीन्स कि हम इसी एज में पैदा हुए, इस एज में जब हम स्टूडेंट थे तो हम तो बहुत सारे उस न्यूजेस से कहीं मतलब ऐसे उससे हम ताल्लुक रखते थे, मतलब उसको न्यूज़पेपर में देखते थे। लेकिन आज जब इस सच को इस तरीके से इस बड़े सिनेमा घर में, मीडिया में हमने देखा तो बहुत सारी चीज़ें हमको हैरान भी करने वाली हैं, क्योंकि सच किस तरीके से छुपाया जाता है और किस तरीके से ये नैरेटिव्स बदलते हैं। अभी ये जो 21st सेंचुरी है, नैरेटिव्स का एक समय है, तो ये एक कैसे पुरानी चीज़ को, पुराने एक तथ्यों को इन्होंने बखूबी बहुत सुंदरता के साथ में सामने रखा। अगर आप उन विषयों को देखें तो उसमें ये फिल्म अपने आप में एक लाजवाब है। और जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है, उससे हम आँख नहीं मीच सकते। सूरज, हम कहें कि अगर आँखें बंद हैं तो सूरज नहीं है, तो सूरज तो है। तो ये फिल्म हमें एक नई रोशनी देती है और सच के साथ में बार बार खड़े होने की एक ताकत देती है, एक जज्बा हमें देती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सर। ऐसा कौन सा सीन है जिसने आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है? ऐसे कई इस फिल्म में छोटे छोटे से सीन आए थे, कई आए थे, एक सीन नहीं कह सकता। लेकिन एक बार बार जब पीछे से एक हाइलाइटर आता है, एक पोस्टर दिखता है कि सच थक सकता है लेकिन वो हार नहीं सकता, वो मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगा। उसने मुझे बहुत टच किया, उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली कि भाई आप थक सकते हैं, आपको तोड़ा जा सकता है, आपको मरोड़ा जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, लेकिन आपको मिटाया नहीं जा सकता और जो सत्य है वो कभी नहीं मिटता। तो ये फिल्म जो है वो हमें प्रेरणा देती है और भगवद गीता भी बार बार हमें यही कहती है, हमारे जो उपनिषद हैं वो हमें यही कहते हैं, सत्यमेव जयते। तो ये वाकई में एक सत्यमेव जयते का एक बहुत खूबसूरत प्रारूप है। थैंक यू सर। बोल, आपने ठीक कहा कि बहुत सारे तथ्य जो हमारे सामने नहीं थे, इस सिनेमा जो साबरमती रिपोर्ट है उसके माध्यम से हमारे सामने आए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हर भारतीय को यदि ठीक तरीके से इस राष्ट्र को समझना है तो बिल्कुल आई, क्योंकि अब तक गुजरात दंगों की बात बहुत 2002 से होती जा रही है, लेकिन गुजरात दंगों के पीछे का क्या कारण था, उससे पहले घटना, इतनी बड़ी घटना जिसको बहुत तरीके से दबा दिया गया था और वो जिस तरह से जो सच को दबाया गया था इस फिल्म के माध्यम से वो सच उभर के करके बाहर आया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? व्यूअर्स को द साबरमती एक पिक्चर थी जो अयोध्या से साबरमती के लिए जो ट्रेन चलने वाली थी उसमें गोधरा में जो हादसा हुआ था, तो आज 23 साल बाद जो हमें सच पता चला। कहते हैं कि सच को छिपाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उसे ख़त्म नहीं कर किया जा सकता, क्योंकि वो जो दंगा था वो कोई कम्युनिटी बेस नहीं था, कुछ लोगों ने अपने षड्यंत्र किया था, कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और इस सच को उजागर करने में सारी कम्युनिटियों ने उस पत्रकार का साथ दिया और उस पत्रकार ने राष्ट्र प्रेम के लिए अपनी जान तक दाव पर लगाई और सच को सामने लाया है और काफ़ी प्रेरणा देती है जनता को कि सतर्क रहें, जागरूक रहें और हम अपने बुद्धि विवेक से काम करें। झूठ का कितना भी लंबा दौर हो उसे सच ही बदलता है। गोधरा का सच खा के बैठ गए, एक दिन देश का बच्चा बच्चा जवाब मांगेगा तुमसे।